नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हुई रामदेव की खिंचाई। रिटायरमेंट से पहले सीजीआई एनबी रमना काफ़ी गुस्से में नजर आए। जी हां दोस्तों, सीजीआई एनबी रमना बोले, बाबा को क्या हो गया है। दोस्तों आपको बताते चलें, बाबा रामदेव को क्या हो गया है जो इस तरह के बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कही। खास बात है कि बीते सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रामदेव को नसीहत दी थी। अदालत को रामदेव की उस बात पर गहरी आपत्ति थी जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोरोना संक्रमित होने को लेकर टिप्पणी की थी। सीजीआई एनबी रमना की बेंच ने रामदेव पर कहा कि वह अपने सिस्टम को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो दूसरे सिस्टम पर बेवजह की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। रामदेव डॉक्टर प्रणाली पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। बेंच में सीजीआई एनबी रमना के साथ जस्टिस हिमा कोहली और सीटी रवि कुमार भी शामिल थे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आईएमए की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें बाबा रामदेव ने डॉक्टर सिस्टम की आलोचना की थी। देख सकते हैं दोस्तों, भरी कोर्ट में सीजीआई एनबी रमना ने योग गुरु बाबा रामदेव को जमकर लताड़ लगाई और फटकारा है। दोस्तों ये बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज इस समय की निकल के आ रही थी। अगर आप भी सीजीआई एनबी रमना की तमाम बातों के समर्थन में हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का